पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर धर्मशाला मंडल भाजपा द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों ने उनके पद चिन्हों पर चलने और उनके आदर्शों को जीवन में ढालने का संकल्प लिया। पार्टी में शामिल हुई महिलाओं का स्वागत करते हुए विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के चलते ही माताएं बहनें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। आज भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर पूरे देश में काम कर रही है। धर्मशाला मंडल द्वारा उनकी जयंती मनाई जा रही है। इस दौरान काफी संख्या में माताओं बहनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर पार्टी के विस्तार के लिए कार्य करेंगे। भाजपा की सरकार देश व प्रदेश में अच्छे से काम कर रही है। मुझे आशा है कि हम सभी इसी तरह देश की एकता और अखंडता के लिए काम करते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और एकात्म मानववाद और अंत्योदय का परिचय देने वाले व्यक्ति थे। आज भारतीय जनता पार्टी उनके दिए हुए सिद्धांतों पर पूरे भारत देश में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला मंडल की ओर से भी आज उनकी जन्म जयंती जो है वो मनाई जा रही है और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला में बहुत सारी माताओं बहनों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि हम लोग मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे से हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, बहुत अच्छे से भारत देश में काम कर रही है। हम उन्हीं के दिए हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिए हुए सिद्धांतों पर अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि हम लोग ऐसे ही भारत देश के लिए एकता और अखंडता के लिए काम करते रहेंगे।